ये मजा आएगा ना। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अरसलान शानी और आप देख रहे हैं उर्दू पाकिस्तान। PSL 8 की ओपनिंग सेरेमनी अब बाकायदा तौर पर मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में होने जा रही है और मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड को ये ओपनिंग सेरेमनी सौंपी गई है। किस वजूहात की बिना पर ये ओपनिंग सेरेमनी मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड को सौंपी गई है ये आपको बताएंगे और ये भी आपके साथ बाकायदा तौर पर डिस्कस करेंगे। कराची और लाहौर से उठाकर ओपनिंग सेरेमनी मुल्तान को किस वजह से सौंपी गई है, आपके जहन में ये बात होगी कि कराची और जो लाहौर है वो एक बड़ा शहर है, वहां पर ओपनिंग सेरेमनी होनी चाहिए, वहां पर लोग ज्यादा आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन पीसीबी ने इसकी वजूहात आप मुख्तलिफ है और वजूहात भी आपको बताएंगे। तो आप लोगों को पता है कि आज से कुछ अर्सा पहले इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई हुई थी जहां पर उन्होंने T20 मैचेस खेले थे, लाहौर में हाफ और हाफ कराची में। बाद में फिर T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए वापस चले गए, बाद में फिर टेस्ट मैचेस खेलने के लिए आए और मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में एक टेस्ट मैचेस भी होना था, वो एक कराची में था और एक मुल्तान में था, जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड से टेस्ट मैचेस उठाकर फिर कराची में मुंतकिल कर दिया गया। जब दोनों मैचेस कराची में करवाए गए तो वहां पर जो तमाशाई क्रिकेट के आने की तादाद थी वो इंतहाई कम नजर आई, जो कि PCB है वो काफी ज्यादा मायूस हुआ, यहाँ तक कि ब्रॉडकास्टर भी मायूस हुए और TV स्क्रीन पर देखने वाले लोग भी मायूस हुए और लोगों ने मायूसी का इजहार किया। तो इसके बाद आप लोगों को ये बात जहन में आ रही कि इसके बाद लाहौर तो आपके पास ऑप्शन था, लेकिन लाहौर भी बिल्कुल था। आप लोगों को पता PSL 7 इससे पहले हो चुके हैं और मुख्तलिफ बिना पर कराची और लाहौर में ओपनिंग सेरेमनी बाकायदा तौर पर इसकी हो चुकी है और इसकी वजूहात भी ये है कि कराची और लाहौर बड़ा शहर, इसलिए पहले यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी की गई और बाकायदा तौर पर यहाँ पर क्लोजिंग भी PSL 8 की गई है और लोग भरपूर तरीके से आए थे। तो PSL 8 से पहले जब इंग्लैंड की टीम आई थी पाकिस्तान में और कराची में मैचेस खेले थे T20, वहां पर भी जो लोगों के आने की तमाशा की तादाद थी वो इंतहाई कम थी। जब में फिर टेस्ट मैचेस हुए लोगों की आने की तादाद फिर बिल्कुल इंतहाई कम थी, यहां तक के स्टूडेंट जो लोग थे जो स्कूल के बच्चे थे उन्हें बिल्कुल फ्री टिकट दी गई ताकि ग्राउंड कम से कम भरा जा सके, लेकिन फिर भी किसी भी सूरत हाफ ग्राउंड भी नहीं किया गया। PCB काफी ज्यादा मायूस हुआ और TV स्क्रीन वाले भी मायूस हुए, लोग देखने वाले भी मायूस हुए, जिसके बाद PCB ने बाकायदा तौर पर एक फैसला किया है कि जो आप PSL 8 की ओपनिंग सेरेमनी बाकायदा तौर पर मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में करवाई जाएगी। उसकी जो स्पेशली तौर पर वजह है वो ये एक है कि वहां पर पहले नंबर पर तो एक लुक सबसे अच्छी है कि दूसरे नंबर पर वहां पर एक लोकेशन नहीं दिखाई जाएगी, तीसरे नंबर पर फर्स्ट टाइम वहां पर ओपनिंग सेरेमनी करवाई जाएगी PSL 8 की। इससे पहले जब भी PSL की ओपनिंग हुई है कराची या लाहौर में हुई है, लेकिन इस बार PSL 8 की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो मुल्तान में कराई जाएगी बाकायदा तौर पर पूर तरीके से और ब्रॉडकास्टर भी यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी के लिए पहले दिन यहाँ पर पहुंचेंगे। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे PSL 8 की जो सेरेमनी वो कैसी होती है। तो जो PSL 8 की जो सेरेमनी छीनी जाने की वजूहात है सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो ना आने की लोगों की तादाद है कराची और लाहौर में। लाहौर में तो काफी ज्यादा अच्छी आती है, किसी टाइम भी आप मैचेस करवा लें, लेकिन PCB ने जो सेटअप आप किया है वो इन दोनों से लक किया है। नजम सेठी साहब ने ये सोचा है कि PSL 8 की सेरेमनी और क्लोजिंग काफी मरतबा लाहौर और कराची में हो चुकी है, लेकिन इस बार जो PSL 8 की ओपनिंग सेरेमनी है बाकायदा तौर पर मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में कराई जाए, क्योंकि मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड की जो लुक है वो शानदार है, बहुत ही अच्छी है और जो PSL 8 के मैचेस होने हैं वो चार ग्राउंडों में होने जा रहे हैं, जहां पर मुल्तान है, लाहौर है, कराची और रावलपिंडी है। इन चारों में PSL 8 के बाकायदा तौर पर मैचेस खेले जाएंगे, जो कि क्लोजिंग और फाइनल मैचेस खेला जाएगा PSL 8 का वो लाहौर में रखा गया है। तो आने वाले दिनों में देखेंगे जो PSL 8 की ओपनिंग सेरेमनी है जो होने जा रही है मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में वो कैसी होगी, क्या इसकी शानो शौक में मजीद रौनक लगेगी या वैसे ही मुल्तान और सॉरी कराची और लाहौर की तरह हमें दिखाई देगा। इंशाल्लाह हमारी दुआ है जो PSL 8 की ओपनिंग सेरेमनी है बाकायदा तौर पर जगमगाई ये मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड और लोगों को देखने को एक अच्छी सी चीज और अच्छी सी फैसिलिटी मिले। आपने दोस्त अरसलान शानी को दीजिए इजाजत, मैं फिर मिलूंगा, अल्लाह हाफिज़।